और आशा करता हूँ गाइस कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का जो ब्लॉग सुनने वाला है गाइस, जिनका मेट्रो स्टेशन मैजेंटा लाइन था, तो मैं आपको जो है इस वीडियो में आज जो है इसके आसपास के एरिया में कौन से गेट नंबर से एग्जिट करना है, वो सारी जानकारी आपको मिलेगी इस वीडियो में। तो बने रहिए इस वीडियो पे और मैं बाकी चीज़ें आपको मैं दिखाता हूँ, सारी जानकारी इस मेट्रो स्टेशन की। आप ये जीने से भी उतरेंगे तो यहाँ पे भी आपको डायरेक्शन दिया हुआ है प्लेटफॉर्म का, एक और दो की तरफ जाने के लिए। और ये सामने भी लगा हुआ है ये सनकपुरी और बोटैनिकल की तरफ, और ये गेट नंबर एक की तरफ एग्जिट के लिए दिया हुआ है कि कौन से जगह पे आप जा सकते हैं। तो जिस तरीके का जो है ये पूरा प्लेटफॉर्म बना हुआ है मुनिरका का दोस्तों, जो है जनकपुरी वेस्ट के लिए जो है मेट्रो आ चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर दो से। तो यहाँ से जो है मेट्रो जनकपुरी वेस्ट के लिए जाती है ब्लू लाइन मेट्रो तक। अभी ये जो मेट्रो है ये बोटेनिकल गार्डन से बन के आ रही है। फिलहाल गाइस जो है मुनिरका मेट्रो स्टेशन पे हूँ मैं, मेट्रो के अंदर ही हूँ। तो यहाँ पे दो प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म नंबर एक जो कि बोटेनिकल गार्डन की तरफ जाती है, और प्लेटफॉर्म नंबर जो दो है वो जनकपुरी वेस्ट की तरफ जाती है। तो यहाँ पे सामने ही लिफ्ट लगा हुआ है और ये डायरेक्शन वगैरह भी दिया हुआ है मेट्रो के पास में। तो यहाँ टोटल एग्जिट गेट गाइस जो है वो तीन है, एक नंबर दो और तीन। तो ये डायरेक्शन भी दिया हुआ है कि कौन सा गेट जो है किस तरफ से एग्जिट के लिए बना हुआ है। तो फिलहाल अभी जो मेट्रो है वो बोटैनिकल गार्डन वाली आ चुकी है एक नंबर प्लेटफॉर्म पे, और यहाँ से ये एस्केलेटर वगैरह लगा हुआ है ऊपर एग्जिट के लिए, और जीना भी है साइड में ही। तो ये गाइस अगर आप दो नंबर और तीन नंबर गेट पे अगर आप एग्जिट करते हैं तो इन जगहों पे आप जा सकते हैं गेट नंबर दो और तीन से एग्जिट करके। तो कुछ इस तरह का भी जो बोर्ड है गाइस वो मेट्रो स्टेशन के नीचे बिल्कुल ही जहाँ पे मेट्रो आती है वहीं लगा हुआ रहता है। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि जनकपुरी की ओर, तो यहाँ भी सामने लिखा हुआ है एग्जिट गेट नंबर एक की तरफ आप जा सकते हैं। आपको दूसरे जीने की तरफ भी आपको गेट नंबर दो और तीन के एग्जिट के लिए डायरेक्शन आपको दिया हुआ है, और यहाँ पे एस्केलेटर वगैरह लगा हुआ है और ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ भी पूरा जो है हर जगह के लिए डायरेक्शन दिया हुआ है दोनों तरफ से, तो दोनों तरफ से एग्जिट और एंट्री दोनों होती है दोनों तरफ से। सामने भी लिखा हुआ गाइस दो और तीन की तरफ जाने के लिए, और यहाँ से एग्जिट होगा, और ये सामने है जो प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए नीचे, इस पर भी लिखा ही हुआ है। नंबर से एग्जिट करके आप बाहर की तरफ जा सकते हैं मुनिरका मार्केट की तरफ। गाइस जो है मैं बाहर हूँ अभी, प्लेटफॉर्म पे नहीं मेट्रो स्टेशन के बाहर ही हूँ यहाँ पे मुनिरका। तो ये सामने ही जो है बस स्टैंड भी बना हुआ है मुनिरका मेट्रो के गेट नंबर एग्जिट गेट तीन नंबर के पास में, और यहीं पे जो है पूरा ये मार्केट है मुनिरका का, देख रहे होंगे आपको तो हर एक चीज़ का मार्केट आपको यहाँ पे मिल जाएगा गेट नंबर तीन के पास मुनिरका। तीन नंबर गेट के पास में ये लिफ्ट भी है यहाँ पे, जो कि मेट्रो के एंट्री गेट की तरफ जाने के लिए लगा हुआ है। तो ये सामने जो बस रुकी हुई है यहीं पे बस स्टैंड बना हुआ है बिल्कुल गेट नंबर तीन के पास, और ये फ्लाईओवर है मुनिरका का। तो यहाँ से जो है गुड़गांव वगैरह के लिए आप जो है इस फ्लाईओवर से डायरेक्ट जा सकते हैं। तो पूरा ये मार्केट है मुनिरका का। फिलहाल जो है गाइस मैं अभी कैपिटल कोर्ट पे आया हूँ। तो ये सामने जो है कैपिटल कोर्ट की बिल्डिंग है, यहाँ पे HDFC बैंक है जो कि हाउसिंग लोन का यहाँ पे डिपार्टमेंट है HDFC बैंक का। और सामने ही जो है ये ब्रिज बना हुआ है पैदल पार करने के लिए, और दूसरी तरफ जो है ये फ्लाईओवर जो है ये गया हुआ है गुड़गांव के लिए, और दूसरी तरफ आप रोड क्रॉस करेंगे तो आपको वहाँ पे गेट नंबर टू मिलेगा मुनिरका का एंट्री गेट और एग्जिट गेट। तो आप जब भी अगर आप मेट्रो से आते हैं गाइस तो आप ये चीज़ देख लीजिएगा कि आपको कौन से गेट नंबर से बाहर निकलना है, क्योंकि इसमें पैदल पार करने के लिए आपको जो है यहाँ से जगह नहीं मिल पाएगी। तो हो सकता है कि आपको थोड़ा घूम के आना पड़ जाए,
ब्रिज वगैरह से पार करने के लिए। तो आप इस मेट्रो स्टेशन पे जब भी आए आप पहले देख लीजिएगा मेट्रो के अंदर ही कि मुझे कौन से गेट से बाहर निकलना है, तभी आप एग्जिट करिएगा और उसी गेट से बाहर निकलिएगा जिस डायरेक्शन में आपको जाना होगा। और सामने ही जो है ICICI बैंक वगैरह है उस तरफ गेट नंबर 2 के पास। बोर्ड भी लगा हुआ है द कैपिटल कोलकाता, कौन कौन से इसमें जो ऑफिस हैं उसका भी बोर्ड लगा हुआ है कैपिटल कोर्ट में। और कैपिटल कोर्ट के पास में गाइस ये बोर्ड भी लगा हुआ है कि आपको वसंत इनक्लेव और वसंत विहार के लिए आपको सीधा जाना है और मुनिरका के लिए लेफ्ट। तो ये रोड का डायरेक्शन दिया हुआ है हाईवे की तरफ जाने के लिए। तो आशा करता हूँ गाइस कि ये वीडियो जो है आपको अच्छा लगा होगा, जो कि मुनिरका मेट्रो स्टेशन से रिलेटेड ये वीडियो थी और आसपास के जो एरिया थे उसकी सब जानकारी दी है। यहाँ पे आसपास में मार्केट भी है, यहाँ पे आसानी से आपको रूम्स वगैरह भी मिल जाएगा। यहीं से आपको गाइस जो है गुड़गांव जाने के लिए आपको यहाँ से सुविधा जो है बस वगैरह के लिए आपको मिल जाती है। तो हर एक सुविधा जो है आपको यहाँ पर मिल जाएगा मुनिरका मेट्रो के पास में। तो बस वगैरह से भी जो है आप ही दिल्ली के आसपास एरिया में आप जा सकते हैं यहाँ के। तो बस की कनेक्टिविटी भी अच्छी है और सामने मेट्रो भी है, तो आपको जैसे भी सुविधा लगे उससे आप जो है आसपास के एरिया में आप जा सकते हैं। तो मेट्रो का जो है तो मिलते हैं गाइस एक नए ब्लॉग्स में। और इसी तरह का वीडियो आप देखने के लिए जो है आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि इस तरह का जो कंटेंट आपको हमेशा देखने को मिलता रहे मेरे YouTube चैनल पे और आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे वीडियो का। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं गाइस एक नए ब्लॉग्स और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।